Hey, what's up guys? We are back in another mukbang video. यार आपका भाई आ गया जी दोबारा मुकबैंग की वीडियो लेके। हर दफा राइस ही ले आते हो, आप भी करते हो गए। पिछली दफा था जी बिरयानी, इस दफा है जी अपने पास बॉइल्ड राइस, इधर है जी अपने पास दाल, एग है और यहाँ सैलेड वगैरह पड़ा है। तो करते हैं जी शुरू। उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब पिछली दफा तो बिरयानी खा नहीं थी हुई, इस दफा देखो ये वाले खाओ होते हैं कि नहीं। खा लूंगा यार, खा लूंगा। इसके ऊपर डालते हैं जी मजे मजे की दाल। आए हाय हाय हाय, राइस भी बहुत गर्म है और दाल भी बहुत अभी गर्म है। पहले आप कहते थे जी वीडियो अपलोड नहीं करता, वीडियो अपलोड नहीं करता। अब अगर वीडियो अपलोड कर दूं तो कोई सब्सक्राइब नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं। इस तरह ना किया करो यार। भाई साहब मजा आ गया। राइयों की स्पेशल डिश है ये प्याज। जिन लोगों को पता होगा कि राइयों को हर दफा बोला जाता है कि प्याज खाते हैं, प्याज खाते हैं ज्यादा, तो मैंने कहा दिखा भी दे भाई खाते हैं। वैसे यार ये ऐसी बातें बनी हुई हैं कि राई बहुत प्याज खाते हैं, बहुत प्याज खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब लोग ही खाते हैं। इतने दिनों से मौसम खराब था, फाइनली आज बारिश हो ही गई। तकरीबन पिछले 1.5-2 हफ्ते से बहुत मौसम खराब था लेकिन बारिश नहीं थी हो रही। फाइनली आज हमारे शहर में बारिश हो गई है, रात को हुई थी और मौसम काफी अच्छा हो गया। और हुई भी थोड़ी बहुत नहीं, काफी हो गई है। जिन लोगों के मुंह में पानी आ रहा है पता है क्या करें, वो पानी पी लें चुप करके, वो ही वाला जो उनके मुंह में आ रहा है, क्योंकि भाई आप तक तो मैं पहुंचा नहीं सकता खाना, तो बस वो पानी पी के गुजारा करो फिलहाल। बहुत हैवी सिस्टम हुआ अपना। इंडिया वाले पता नहीं इसको राजमा चावल कहते हैं, पता नहीं क्या कौन से चावल कहते हैं। अब वो मेरे पता नहीं, मेरे ख्याल से और होते हैं, किसी को ही कहते हैं।
नहीं पा दियो प्रोग्राम होया पेन नहीं पा दियो यार एक तो मैं जो भी खाना खाने लग पड़ू ना अभी सेंटर में पहुंचता हूँ और मेरे डकार शुरू हो जाते हैं। पिछली दफा तो बिरयानी थी बल्कि कल ही वीडियो आई थी उस बिरयानी वो थी तकरीबन 2 किलो की और ये चावल होंगे उससे थोड़े से कम होंगे 1.5 किलो के। कम मैंने इसलिए चावल लिए हैं आज, मैंने कहा यार फिर ऐसे ही सारे खा तो होते हैं नहीं। ओए होए होए वैसी लुकमा बन गए तो। थोड़े से रह गए, थोड़े से सेंटर में पहुंच गया हूँ, अल्लाह खैर करे आज खत्म करके ही जाना मैंने। हाथ में ही नहीं आ रहे यार, मैं वैसी लुकमा बना रहा निकल जाते हैं फिर से। काफी लोग पूछते हैं भाई माइक कौन सा यूज करते हो, यार अभी फिलहाल कोई भी माइक यूज नहीं कर रहा। एक मैं लेके आया था अंदर, वो मुझे ना फिट नहीं बैठा, इतना फजूल था वो। कोई वो मैंने लिया तकरीबन 5,000 का लिया था, वो कोई इतना खास नहीं निकला। एक तो था वो तार वाला, फिर मैंने अब मोबाइल का जो होता है ना उस पर रिकॉर्ड करता हूँ। अब फिलहाल माइक वगैरह लूंगा ठहर के थोड़ा सा अच्छे वाला, अभी फिलहाल जो है वो मोबाइल पर ही वीडियो शूट करता हूँ और उसी का ऑडियो यूज करता हूँ मैं। दाल हो गया खत्म, चावल रह गए थोड़े से, दाल लेके आते हैं और फिर ही मजा आएगा, इस तरह सूखे चावल खाने का तो मजा नहीं आएगा। अच्छा एक बात है, बोतल पीता जाऊं ना तो पेट भरने लग पड़ता है, अगर ना पीऊं तो फिर खा हो जाता है इजीली, लेकिन अंदर अंदर प्यास भी लगती है ना तो इस वजह से बोतल पीनी पड़ती है। अगर ना पिए ना तो आराम से खा हो जाए। हाय 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 भाई साहब, अपने लिए एक बैड न्यूज है, दाल हो गई है खत्म। तो घर वाले कह रहे भाग जाओ, कोई दाल नहीं है, सारी खत्म हो गया जो आपको दे दी थी। फिलहाल अभी इस तरह ही गुजारा करना पड़ना, थोड़े से रह गए हैं, वैसे थोड़े से तो नहीं है तो काफी, लेकिन मिक्स वगैरह करके 7 अंडों के और ये पड़ा हुआ सामान वगैरह इसके साथ फिनिश कर लेते हैं। आज अगर सारे चावल खाओगे मेरे से तो घर वाले कह रहे हैं कि दाल नहीं पड़ी। सही है भाई, 2 वक्त की रोटी दे देते हैं ना बहुत है। ये ना ये भी कहें कि भाई भाग जाओ, कोई रोटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब इसके ऊपर डालते हैं सारी सलाद। वैशी बना लेना इसको, वैशी थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल मिल गया, कोई नहीं बहुत है चलेगा। भांजा भी बता रहा था, मैंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा सही है सही है, उठा के रखो काम को, पीछे बैठा यही बता रहा है। दाल के साथ एक है कि ना थोड़ी सी स्पाइसीनेस आ गई थी अंदर, इस तरह बिल्कुल ही रूखे रूखे से लग रहे हैं चावल। एक तो हाथ में नहीं आते, असल में मैं अंडे, पता है आप लोग भी कहते हो कि अंडे नहीं खा रहा, असल में मैं इस वजह से नहीं खा रहा क्योंकि मेरा पेट हो रहा है फुल। अगर मैंने ये खा लिया ना तो शायद अगर मुझसे ना खाओ ये वाला राइस। वैसे रात बहुत थोड़े गए हैं, बहुत ज्यादा थोड़े।
तो जी फिलहाल मेरी हो गई है जी बस, क्योंकि मैंने पी लिया बोतल, बहुत थोड़े से रह गए हैं। ये नहीं खाओगे क्योंकि अगर दाल होती ना तो खा हो जाने थे। अभी फिलहाल नहीं दिल कर रहा, मतलब के रूखे रूखे से हैं, टेस्टलेस हैं एक किस्म के, तो इस वजह से नहीं खा हो रहे, दिल ही खराब हो रहा है। फिलहाल वीडियो को करते यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।